हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री की गारंटी सीरीज। जी हाँ, गारंटी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम सेमेस्टर वन बीए प्रोग्राम हिस्ट्री के लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह का रहने वाला है पेपर पैटर्न और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ एसओएल के बच्चों के लिए नहीं है, रेगुलर के बच्चे, नॉन कॉलेजेट के बच्चे, एसओएल के बच्चे, तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है फर्स्ट टाइम का और उन सब के लिए ये गारंटी सीरीज है। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, जिन्हें पता नहीं क्या आने वाला है, दिसंबर के पेपर के बारे में पूरा एनालिसिस मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप छोड़ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि पिछले साल के पेपर आप भी देखेंगे, राइट? तो पिछले साल के पेपर को देख के जो मैंने एनालाइज करके उन्हें निकाला है, जो निचोड़ निकाला है उसका वो ये निकला है कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस ही आ रहा है। तो आप कहेंगे सर फिर पूरा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे हम? तो मैंने क्या किया, यहां पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस लिख दिया है इन शॉर्ट में और मैं आपको बताने वाला हूं इसमें से क्या स्पेसिफिक पढ़ना है आपको, राइट? ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक पढ़ना है वो बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके जैसे एक हेडिंग के अंदर अगर सपोज तीन तरह के टॉपिक हैं तो आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, अगले तमाम सालों के लिए वीडियो वैलिड रहेगी क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वो बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता, जब तक आपका कोई अपडेशन नहीं होता, ये सारे क्वेश्चन वैलिड रहेंगे हमेशा के लिए, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं कि हिस्ट्री के बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन कितने वाले आने वाले हैं। तो जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, राइट? 10 में से आपको करने हैं कोई 4 क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट नोट का होगा। आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए। अगर आप शॉर्ट नोट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 2 पार्ट आपको करके ही आने हैं, तभी वो वैलिड कहलाया जाएगा, राइट? पेपर होगा 75 मार्क्स का फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, बट फॉर नॉन कॉलेजेट एंड दी एसओएल स्टूडेंट्स आपका क्योंकि असाइनमेंट सबमिट नहीं होता तो आपका पेपर को स्केल अप करके 100 का कर दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आप तीनों का पेपर सेम आएगा, पेपर तीनों का डिफरेंट आएगा, राइट? बट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेंगे, इन्हीं में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, राइट? तो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बन सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ एंशियंट इंडिया की। तो एंशियंट इंडिया में जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, उनको आपको पढ़ना है। आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट है कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, राइट? वो सारे सोर्सेज आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, 3-4 तरह के जो भी सोर्सेज हैं आपको पढ़ने हैं और उन सब सोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी एक सोर्स आपसे पूछेंगे वो, बट सोर्सेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सर्वे के बारे में बहुत कम पूछते हैं इसलिए मैं सर्वे पे गौर नहीं कर रहा, राइट? सेकंड आपका प्री हिस्टोरी, अब यहां से ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्री हिस्टोरी में तीन ही चीजें हैं और तीनों में से कोई भी घुमा फिरा के आ रही है, कई बार तो इंटरचेंज आ रहा है, राइट? तीन चीजें हैं आपकी जो फिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीनों में से कोई भी फेस आपका आ सकता है। इन तीनों फेस को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रही हैं तो, ठीक है? अगर आपको तीनों नहीं समझ में आ रहे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करिए, बाकी के टॉपिक पढ़ के जाइए ताकि आप उनमें से 4 क्वेश्चन निपटा सकें। बट क्योंकि एक श्योर शॉट क्वेश्चन रहता है कि इन तीनों पार्ट में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, राइट? फिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जो पीरियड है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेनली ये लोग पूछेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे शहर हुआ करते थे, उसकी जो प्लानिंग थी टाउन प्लानिंग उसके बारे में, या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिलीजन के ऊपर। तो दो ही चीज़ें हैं, तो टाउन प्लानिंग पूछेंगे आपसे या रिलीजन पूछेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर काउंटर करना पड़ेगा, ठीक? अच्छा, इसके बाद वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है आपको, जो सिलेबस है उसके अंदर दोनों बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज निकाला है, आपको इन दोनों टॉपिक में से सिर्फ पढ़ना है आपको पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन वैदिक पीरियड और आफ्टर वैदिक पीरियड, यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड बेसिकली। तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इतना पढ़ के आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक? इसके बाद बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की। तो भाई मौर्यन एम्पायर के अंदर जो मौर्यन एम्पायर जिस खासियत के लिए जाना जाता है, वो खासियत है मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना है मौर्यन एम्पायर का, बाकी चीज़ों को आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज मस्ट, जिसको आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, उसके बिना पेपर क्लियर नहीं हो सकता, ठीक? फिर बात करेंगे पोस्ट मौर्यन। तो भाई पोस्ट मौर्यन के अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर कुशांस के बारे में मेनली पूछा जाता है, इनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं,
उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता। आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर दो नाम है, एक कुशांस है और एक सतवाहंस है। सतवाहन के ऊपर मुझे पिछले 5 साल के अंदर, 2015 शुरू हुआ था आपका, 4 साल के अंदर कोई टॉपिक नहीं मिला है, ठीक है। तो मेनली आप कुशांस को फिलहाल पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर रिस्क से बचना चाहते हैं तो सतवाहन को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कुशान इज परफेक्ट। उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है वो आपको पढ़ के जानी है, राइट। आगे बात करेंगे संगम की। तो संगम क्या है, संगम का तट की बात नहीं कर रहे हैं, संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन काफी बार देखा जा रहा है और कई बार आ भी रहा है वो, ठीक। तो आपको संगम लिटरेचर को पढ़ के जाना है। लास्ट अगला है बुद्धा। यहाँ पर बुद्ध के बारे में पूछ लेते हैं, जैन के बारे में पूछ लेते हैं, बट दोनों में से मैंने बुद्धा को सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। और जब बुद्धा आ रहा है तो बुद्धा के साथ कौन आएंगे, अशोक आएंगे। अशोक यानी कि आपको यहां पर पढ़ के जाना है अशोका धामा, ये जरूर पढ़ के जाना है आपको। बुद्धा के अंदर अशोका धामा, बुद्धा को तो पढ़ेंगे, अशोका धामा को उसके साथ में पढ़ के जाना। जैन को चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट 6th BCE, अभी 6th BCE है। देखिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा नहीं है, तमिलाकम के बारे में, राइट, साउथ के बारे में, बट तमिल पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा आपके पिछले 4 साल के पेपर के अंदर। तो एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ बार बार पूछा जा रहा है वो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ। वट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन 6th century BCE। 6th century BCE के अंदर जो टेरिटोरियल स्टेट का राइज हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन दो से तीन बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा ये जो टेरिटोरियल स्टेट या फिर एक बार ये चीज भी पूछी गई है कि वे रिलीजन के बारे में बताओ, यानी कि 6th century BCE के अंदर रिलीजन का राइज कैसे हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है हिस्ट्री के अंदर जो आपको मस्ट पढ़ के जाने हैं। इन टॉपिक्स के बिना पढ़ के जाना मतलब सुसाइड करने बराबर है। आप लोग ये बात खासकर एसएल के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग एनुअल मोड में पढ़ते थे तो बहुत सारे टॉपिक होते थे, उसमें छाटना आसान होता था। अब टॉपिक कम है तो डीप में पूछा जाएगा आपसे, जब आपसे डीप में पूछा जाएगा तो आपको डीप स्टडी करनी जरूरी है। तो ये वीडियो देखने का लालची नहीं होना, आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की तरफ से भी पता चल सके कौन कौन से वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में टॉपिक के बारे में बताएं कि वो कौन सा टॉपिक और है जो हिस्ट्री में पढ़ के जाना जरूरी है। बट मेरे हिसाब से फिलहाल इन टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप पेपर में कर देने वाले हैं 100%, राइट। मेरी तरफ से 100% रहेगा। आपको जो भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं किसी टॉपिक पर अगर आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो। Thank you very much. This was Sachin Bansal signing off.